हेलो बच्चा लोगों, क्या हाल चाल है। तो बहुत दिनों से कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे एक क्वेश्चन लगातार, जब से सभी बोर्ड के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं, एक क्वेश्चन लगातार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारा तो इतना परसेंट आया है, हमारा तो इतना परसेंट आया है, हम जेई दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए क्या है परसेंटेज क्राइटेरिया, हमें समझ में नहीं आ रहा है ये बोर्ड का टॉप 20 परसेंटाइल क्या है। बहुत समस्याएं बच्चों की बनी हुई थी, मैं लगातार कमेंट्स देख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं खाली था तो ये एक समस्या आप लोगों की मैं सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, देखिए पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि 2019 के बाद अभी तक जो एग्जाम हुए हैं, यानी कि 2021 और ये जो 2022 हो रहा है, ठीक है, पैंडेमिक के कारण इसमें से ये जो 75% वाला क्राइटेरिया था और जो टॉप 20 परसेंटाइल वाला क्राइटेरिया था आपके अपने बोर्ड में, समझाता हूं ये सब क्या है, वो हटा दिया गया था, है ना। इवन कि 2022 का एग्जाम अभी हो रहा है, जो कि अभी फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है, सेकंड अटेम्प्ट आपका 21 जुलाई से होना है, इसमें भी इस 75% का कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, टॉप 20 परसेंटाइल का कोई लफड़ा नहीं है, ये हर एक बच्चा इसको दे सकता है ना। बाकी एलिजिबिलिटी जो आप है, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बाकी सब तो आप समझ ही रहे हैं कितने अटेम्प्ट हैं, क्या है, कैसे हैं। ठीक है, तो अभी इसमें नहीं है, 2022 में भी नहीं है और इसके पहले भी नहीं था। उसके पहले लास्ट 19 में ये वाला क्राइटेरिया एडमिशन के समय या एंट्रेंस के समय अप्लाई किया गया। तो मैं आपको समझा देता हूं, 75% तो सबको समझ में आता है कि भाई 75% होना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स, है ना, जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा एक बात और है, 2022 में नहीं है लेकिन 2023 के लिए ऐसी कोई नोटिफिकेशन अभी है नहीं कि 2023 में ये क्राइटेरिया होगा जो बच्चे ड्रॉप ईयर लेना चाहते हैं उनके लिए, है ना, जो एक साल ड्रॉप लेकर के तैयारी करना चाहते हैं कि सर हम ड्रॉप लें कि ना लें, हमारा तो 75% नहीं बना हुआ है। सुन लीजिए, 75% जरूरी नहीं है, है ना, मैं आपको समझाता हूं, पूरी बात समझाता हूं, सुनिएगा पहले मेरी बात। ठीक है, तो पहले तो अभी 2022 का एग्जाम, अब का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका, सब खत्म, इस पर हम बात करने कोई मतलब है नहीं। 2023 में जो बच्चे ड्रॉप ईयर लेना चाहते हैं, जो बच्चे अभी 2023 में इंटर के एग्जाम देंगे, उनके लिए तो नालायकों पढ़ो, 75% क्यों नहीं बनेगा तुम्हारा, बनाओ, है ना। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी 2022 में पास हो चुके हैं और उनका 75% नहीं बना हुआ है, मैं उनके लिए अभी चार शब्द कहने जा रहा हूं, उनसे मैं बात करने जा रहा हूं कि क्या वो जेई 2023 ड्रॉप ईयर लेकर के दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। पहली बात, नंबर वन, अभी तक 2023 के लिए ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आपको 75% चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब अभी वो रिज्यूम नहीं हुआ 19 वाला, है ना, 19 तक ये कहानी थी, उसके बाद से अभी तक ये नहीं आया है 75% वाला। आगे आएगा कि नहीं, जेई है, कभी भी रूल चेंज हो जाएंगे, नए रूल बन जाएंगे, उसका कोई भरोसा नहीं है, है ना। लेकिन अभी तक ये परसेंटेज क्राइटेरिया के बारे में कोई बात नहीं हुई है और 19 के बाद से अब तक कहीं लागू नहीं हुआ है, कहीं मतलब जेई, है ना। एडवांस की बात भी करूंगा, उसको भी समझाऊंगा मैं कैसे वो होता है जेई मेन के। ठीक, तो सवाल ये सर, 23 के लिए अगर हमारा इस बार 75% नहीं बना हुआ है तो क्या 23 के लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, ये बात हमको पता कैसे चलेगी। हम तैयारी ड्रॉप, मतलब जेई जब तक नहीं बताता है तब तक क्या हम रिस्क पे तैयारी करें, कुछ करें ना, है ना, क्योंकि मान लीजिए कल को आ गया और हमारा 75% नहीं है तो हम कैसे एग्जाम देंगे। दिमाग में तो यही चल रहा होगा, है ना, कि क्या रिस्क पे तैयारी कर लें, अगर आ गया तो ठीक है छोड़ देंगे, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं, है ना। इसके अलावा जेई ने कहा है कि 75% और एक बात ध्यान रखिएगा, और 75% के अलावा एक या लगा हुआ है कि आप जिस भी बोर्ड में हैं, जिस भी बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हैं, जिस भी बोर्ड से, ठीक है, जो भी बोर्ड है आपका, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उसमें जो टॉप 20% स्टूडेंट्स हैं, टॉप 20% है, परसेंट नहीं है, है ना, टॉप 20% जो स्टूडेंट हैं, टॉप 20% आजा भाई एल कैसे लिखू मैं, ठीक है, टॉप 20% परसेंटाइल क्या होता है, देखिए परसेंटाइल जो है, परसेंटेज तो 100 में कैलकुलेट किया था, बट परसेंटाइल हम लोग जो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करते हैं बच्चे,
उनके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा मैं हूं कि नहीं हूं? आपको अपने से नहीं पता चलेगा। ठीक है, जो भी बोर्ड आपका है वो टॉप 20 परसेंटाइल की एक लिस्ट, ये बोर्ड जो है इसकी एक लिस्ट जारी करता है ना, एक लिस्ट इसकी जारी करता है। आपको जोसा के वेबसाइट पे यहां पे मिल जाएगा आपको, है ना। खैर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको जब आएगा तो। ठीक, टॉप 20 परसेंटाइल की एक लिस्ट जारी करता है कि इतने बच्चे हैं जो टॉप 20 परसेंटाइल में हैं, है ना, और वो एक कट ऑफ मार्क्स बता देता है कितने मार्क्स के ऊपर वाले बच्चे टॉप 20 परसेंटाइल कैटेगरी में फॉल करते हैं और ये जेई का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, है ना। अब जैसे मान लो इसका ये ऐसा क्राइटेरिया रखा क्यों गया, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूं, अगर एक उदाहरण के तौर पे, तो अगर यूपी और बिहार या एमपी बोर्ड की मैं कंपेयर करता हूं, एमपी बोर्ड का पेपर जो है थोड़ा इजी लेवल का रहता है, यहां पर ज्यादा मार्क्स स्कोर करना आसान होता है ना। यहां के जो टॉपर्स हैं उनका 98% तक मार्क्स, ठीक है, और यूपी बोर्ड में जो टॉप 10 की पोजीशन है वो 92% में ही टॉप 10 पोजीशन आ गई। ठीक, अब आप समझ लो, एक तरफ 92% में टॉप 10 पोजीशन आ जा रही है, एक तरफ 98% तक का मार्क्स आ रहा है, मतलब स्कोर करना आसान होता है ना। कंप्यूटर इनोसेंट की बेइज्जती मतलब बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ा मार्किंग स्कीम जो होती है, थोड़े मार्क्स दिए जाते हैं उसमें भी, जैसे पहले जब हम लोगों का टाइम हुआ करता था तो कॉपी चेक करते समय टीचर ये देखता था कि कैसे नंबर काटा जाए इसका, आजकल देखा था कैसे नंबर दे दिया जाए बच्चों का, है ना, कहीं थोड़ा बहुत गलती उलती है, लग रहा है कि दो नंबर कुछ और डेढ़ नंबर दे देते हैं हल्की सी मिस्टेक है, हमारे यहाँ गलत है भाई, पूरा काट दो खत्म, है ना। 60% लोग बना लेते तो बड़ा खुश रहते थे, फर्स्ट डिवीजन आ गया, रियली बता रहा हूँ। आजकल लोग 80% लेकर रोते रहते, सर 80% ही है, मैं 100 पाने वाला था, बात कह रहा हूं। ठीक है, तो कुछ बोर्ड्स के पेपर में होता है पेपर बहुत टफ होता है। अब मान लो कि एक बोर्ड है जिसका पेपर बहुत टफ आया और वहां पे 70% स्कोर करना ही मुश्किल था और जेई ने 75% क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया और बोर्ड का टॉपर जो है वो 82% पाया है, इसका मतलब है कि वाकई पेपर बहुत टफ रहा होगा, है ना, उतना अच्छे से स्कोर बच्चे नहीं कर पाए होंगे। अब उस बोर्ड के बच्चों के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी ना, अगर उनके लिए 75% क्राइटेरिया लगा दिया गया तो इसीलिए एक वेटेज सिस्टम लगाया गया कि आप जो आपके टॉप 20% बच्चे स्टूडेंट्स हैं बोर्ड एग्जाम में जो भी पास हुए हैं, जैसे मान लो 1,00,000 बच्चे पास हुए, है ना, तो ऊपर से मार्क्स देखते जाओ और टॉप 20 जो हो गए आपके उसमें परसेंटाइल में जो फॉल कर रहे हैं, है ना, उतने बच्चों को बोर्ड जारी कर देता है कि इतने नंबर से ऊपर वाले बच्चे टॉप 20% में आ रहे हैं और ये जेई मेन का एग्जाम दे सकते, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं डेटा भी लेकर के आया हूँ, ठीक है, पूरा एनालिसिस करके रिसर्च करके, 4-5 घंटे की मेहनत है, ये तो 10 मिनट की वीडियो है, ठीक, पूरा रिसर्च करके मैं लेकर के आया हूँ, हिंदी मीडियम के पढ़ाते थे, हिंदी मीडियम के बोर्ड्स में सारे लेकर के आया हूँ। ठीक है, देखिएगा आप लोग, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको भी बात कर रहा था, अगर मैं बिहार बोर्ड की बात करूं तो 19 से बात कर लेते हैं, तो बिहार बोर्ड में अगर मैं बात करूं 2019 में जनरल कैटेगरी का 346 मार्क्स है ना, 346 मार्क्स को अगर हम परसेंटेज इसका कैलकुलेट करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2×6 = 12 का 2 1 हासिल लाया, 2×4 = 9 और 2×3 = 6 क्यों भाई, 69.2% है ना, यानी कि जनरल कैटेगरी का लड़का अगर है और वो 69.2% मार्क्स पाया है तो वो जेई मेन दे सकता है, उसके लिए 75% क्राइटेरिया नहीं अप्लाई होता, बात समझ में आ रही है। अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करता हूं, यूपी बोर्ड की 2019 की बात करता हूं, जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, तो आप यहां पर देखिए ध्यान से, अगर इसको डबल करेंगे तो कितना आएगा, 66.8%, मतलब यूपी बोर्ड का लड़का 2019 में अगर 66.8% मार्क्स पाया है तो भी वो जेई मेन का एग्जाम दे सकता है ना, उसको 75% पाने की जरूरत नहीं है, ठीक,
एमपी बोर्ड की अगर मैं बात करता हूं, एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से एनालिसिस कर लीजिएगा, मैं एक ईयर का बता दे रहा हूं, है ना। अगर एमपी बोर्ड की आप बात करते हो तो एमपी बोर्ड में 398 नंबर, मतलब 398 400 गुना 800 होता है और चार कम कर देंगे तो 79.6%। अब देखो मैं इसे कहता एमपी बोर्ड का एग्जाम कठिन होता, 79.6% टॉप 20% है। तो इसका मतलब आपको अब ये नहीं देखना, आपको 75% देखना। अब तुम ये मत सोचना कि सर इसका मतलब एमपी बोर्ड में अगर मैं क्या 75% मतलब कितना होता है, कितने कितने मार्क्स आएंगे 75% में, 7 × 5 = 35, 375 नंबर है ना। तो क्या 375-376 नंबर वाला बच्चा जेई नहीं दे सकता क्या, क्योंकि एमपी बोर्ड ने तो परसेंटाइल 398 बताया है और 376 नंबर जो पाया है या 375 नंबर जो पाया है उसका 75% बन रहा है ना। 375 नंबर एमपी बोर्ड में जो पाया है उसका 75% बन रहा है, लेकिन एमपी बोर्ड के टॉप 20% बच्चे हैं वो 398 मार्क्स वाले हैं। तो ये देखेंगे कि ये देखेंगे सर ये दे सकता है नहीं दे सकता है। देखो बोर्ड के परसेंटाइल तब देखेंगे जब उस बोर्ड की टॉप 20% 75% से नीचे होगी, है ना। अगर 300 टॉप 20% के बच्चे जो हैं अगर 375 नंबर से नीचे स्कोर कर रहे हैं तो बोर्ड के परसेंटेज देखेंगे, अगर ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो आपको 75% स्कोर किया है, मतलब एमपी बोर्ड का बच्चा भले टॉप 20% 398 नंबर है अगर वो 375 नंबर पाया है तो वो दे सकता है एग्जाम, वो टेंशन ना ले, है ना, कि हमारा इतना हाई चला गया बाकी बोर्ड की तुलना में। तो भाई 75% तुम्हारा बन रहा है ना, तुम दे सकते हो एग्जाम मेन का, ठीक है। आरबीएससी की अगर मैं बात करूं, इन्होंने 19 में रिलीज नहीं किया अपना टॉप 20%, तो सवाल ये उठता है सर अगर टॉप 20% कोई बोर्ड अपना बताता ही नहीं है कि मेरे यहां इतने स्टूडेंट टॉप 20% में इतने मार्क्स ऊपर वाले, तो क्या करेगा बच्चा, तो उसको बोर्ड से एक रिटर्न लेटर लेना पड़ेगा, अपने मिल जाता है, इतना कठिन काम नहीं होता, ठीक है। उसको बोर्ड से एक रिटर्न लेटर लेना पड़ेगा अपने कि मैं टॉप 20% में हूं, है ना। और अगर बच्चा इफ फेल्स, अगर बच्चा बोर्ड से वो लेटर नहीं ला पाता है ना, तो सीबीएसई का जो कट ऑफ होगा वही सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड वाला वही, ठीक है। तो उसका जो कट ऑफ आएगा चाहे वो 372 नंबर हो, 376 नंबर हो, 382 नंबर हो, वही कट ऑफ उस बच्चे पे अप्लाई किया जाएगा। जैसे मान लो सीबीएसई ने अपना कट ऑफ दे दिया 392 नंबर, अगर वो बच्चा अपने बोर्ड से लेटर नहीं ला पाया कि मैं टॉप 20% में हूं, है ना, तो 392 नंबर क्योंकि सीबीएसई का कट ऑफ है टॉप 20% का, तो अगर इतना वो बच्चा लाता है ना, खैर 392 ज्यादा हो जाएगा ना, मान लो 362 है ना, तो अगर वो 362 नंबर के ऊपर लाता है तब तो ठीक है ना, नहीं लाता है तो उसको पेपर देने को जेई मेन में एलिजिबल नहीं माना जाएगा, है ना। ये तब जब वो 75% से कम पाया है, अगर वो 75% से ज्यादा पाया है, अगर वो 375 नंबर स्कोर कर रहा है तो उसको फिर बोर्ड का परसेंटाइल देखने की जरूरत ही नहीं है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, जो 75% के ऊपर स्कोर कर रहा है उसको बोर्ड का अपने परसेंटाइल देखने की आवश्यकता है ही नहीं, जो 75% से नीचे स्कोर कर रहा है उसको अपने बोर्ड का टॉप 20% का लिस्ट देखना पड़ेगा कि मैं हूं उसमें कि नहीं हूं उसमें। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से झारखंड बोर्ड की बात करें तो यहां पर मात्र 321 नंबर, मतलब 64.2% वाला बच्चा भी जेई मेन दे सकता है, उसको 75% स्कोर नहीं करना है क्योंकि उसके बोर्ड का पेपर उस लेवल का था। समझ में आई बात, है ना। वहां मात्र 64.2% वाला बच्चा ही दे सकता है जेई मेन का एग्जाम, ठीक है। इसी तरह सीबीएसई, सीबीएसई वाला नहीं है ये, एक्चुअली छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये छत्तीसगढ़ बोर्ड है, ठीक है। तो इसी तरह सीबीएसई छत्तीसगढ़ बोर्ड में 371 नंबर है ना, यानी 74.2% वाला बच्चा दे सकता है, जनरल कैटेगरी का है। इसी तरह ओबीसी की मैं बात करूं, ओबीसी का ज्यादा ही रहता है जनरल से, अगर आप देखोगे तो 46 है, तो 47 है, 34 है, इसमें थोड़ा कम हो गया है ना यूपी बोर्ड में,
क्योंकि यूपी बोर्ड में ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसका 390 है, इसमें रिलीज नहीं किया 321 है, इसका 333 है। अपने अपने आप देख सकते हो जिस भी कैटेगरी में हो आप, ठीक है। आप ओबीसी हो, आप एससी हो, एसटी कैटेगरी में हो, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप में हो, जिस भी कैटेगरी में आप हो, आपकी कैटेगरी वाइज यहां पे लिखा हुआ है। और मैं लिस्ट इसलिए लेकर के आऊं, आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो जैसे यूपी बोर्ड का है तो 355 नंबर था 17 में, 338 नंबर था 18 में, और 334 नंबर था 19 में, है ना। तो आप देख सकते हो 350 मैक्सिमम गया है, क्योंकि यहां पर आपको बताऊं पेपर 17 वाला थोड़ा सा इजी आया था, वहां बच्चों ने ज्यादा स्कोर किया, जबकि 19 वाला पेपर मुझे याद है ये काफी टफ आया था, ये वाला पेपर काफी टफ आया था, बच्चों ने कम स्कोर किया था। तो 66% वाले बच्चे ही, 66.8% वाले बच्चे ही पेपर दे सकते थे। और इस बार का जो पेपर हुआ है, अगर 23 में ऐसा कुछ आता भी है ना, अगर 23 में ऐसा कुछ आता भी है कि नहीं टॉप 20% वैसे आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब कोविड पुरानी बात हो गई, फिर चीजें रेगुलर हो गई हैं, कोविड काल ऐसा किया गया था, है ना। तो आप देख लीजिए कि लगभग आपका 66 से 67% के अराउंड ही, मेरा मानना है कि इससे ऊपर टॉप 20% नहीं बनेगा, है ना। मेरा मानना है कि यूपी बोर्ड में 66% के आसपास आपका टॉप 20% बनेगा, मतलब जिनका क्या हो जाएगा, 6 दुनाई कितना होगा भैया, डिवाइड 330 आएगा ये, है ना। तो जिनका 300, मुझे लगता है कि 330 से 335 के आसपास, 330 से 335 के आसपास आपका टॉप 20% की लिस्ट आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मेरा प्रेडिक्शन ये बात करना, सर आपने कहा था टॉप 30 आएगा, तैयारी कर लो, ठीक है। तो वो जब क्राइटेरिया बनेगा, परसेंटाइल का लिस्ट आएगा, तो आप वहां पे मैच कर लीजिए, ठीक है। बट प्रीवियस ईयर के हिसाब से आप एक मोटी मोटा एक आंकड़ा लेकर के, बिहार बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड वाले, ठीक है, 2019 के हिसाब से एक आंकड़ा लेकर के, पिछले कुछ सालों का ऑब्जर्वेशन है, वहां से आंकड़ा लेकर के कि मेरे कितने मार्क्स, उस समय कितने मार्क्स वाले बच्चों ने पेपर दिया था, तो उसके हिसाब से अगर यूपी बोर्ड में, अगर मैं बताऊं ईमानदारी से, जो मुझे लगता है कि अगर आपने 70% मार्क्स स्कोर किया है तो आप सेफ हैं, है ना। आप टेंशन मत लीजिए, 100% आप टॉप 20% में हैं, 70% एकदम सेफ है ना। बट मुझे लगता है कि 66 से 67% के आसपास इस बार भी आपका टॉप 20% की लिस्ट आएगी, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का जो कंफ्यूजन कैसे करना है, ठीक, सारी बातें मैंने बता दी कि अगर बोर्ड रिलीज नहीं करता है तो आपको एक लेटर लाना पड़ेगा, आप नहीं ला पाते हो, सीबीएसई का आपको देख के उसी हिसाब से आपको माना जाएगा, है ना। दूसरी बात, आपको 2 अटेम्प्ट एक साल में मिलेंगे और टोटल जेई मेन देने के 4 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, है ना। एक साल में 2 अटेम्प्ट, 2 साल आपको मिलेंगे, 4 अटेम्प्ट आप जेई मेन दे सकते हो, है ना। और इसमें से जो 2.5 लाख बच्चे, टॉप 2.5 लाख बच्चे जो जेई मेन में पास होते हैं, उनको जेई एडवांस देने का मौका मिलता है। पूछते हैं सर जेई एडवांस के लिए क्राइटेरिया क्या है, मेन के बाद क्या एडवांस में कुछ अलग से चाहिए, क्या एडवांस कुछ अलग नहीं चाहिए। आप मेन के एलिजिबल हो, ठीक, आप जेई मेन आपने दिया, और जेई मेन से आपने पास करने के बाद अगर आप टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स के अंदर आते हैं, कट ऑफ जारी होगी कि मेन में इतने नंबर पाने वाले के ऊपर जो बच्चे हैं, 130 नंबर पाने वाले बच्चों के ऊपर, एक एग्जांपल बता रहा हूं इस तरह से, ठीक है, वो 2.5 लाख बच्चों में आ जाते हैं, तो टॉप 2.5 लाख बच्चे जो है उनको जेई एडवांस देने का मौका मिलता है ना। तो ये रहा पूरी बात कि कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, ये 75% और टॉप 20% का मतलब क्या हुआ, ठीक है। आई होप आप नहीं समझे होंगे, थोड़ा वीडियो फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि टॉप 20% का मीनिंग क्या होगा, बात समझ में आई। जरूरी नहीं है कि आपका 75% हो, आप 75% से कम, यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं, आप मान लो देखो, बाकी बिहार बोर्ड वगैरह की अगर बात करूं तो बिहार बोर्ड का तो टॉप 20% ऐसे ही, ये कितना जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास इसके ऊपर ही जा रहा है ना। हो सकता है अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको और कम मार्क्स में भी आपका हो सकता है काम, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लीजिए कि मोटी मोटा अंदाजा आप लगा लीजिए कि आपकी कितने परसेंट मार्क्स बने हुए हैं, और उस हिसाब से आप जेई मेन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, है ना। कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा,
मैं आपके कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। वैसे मुझे हिसाब से परसेंटेज को लेकर कोई डाउट नहीं बचा होगा, किसी और टॉपिक पे जेई मेन को लेकर के कोई भी, मतलब बहुत बहुत सी चीजें हैं, अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जेन्युइन डाउट होगा, ठीक है। जो मुझे लगेगा वाकई बहुत कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक था, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दिया, मुझे लगेगा कि हाँ वाकई बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं बिल्कुल वीडियो बना दूंगा। बात समझ में आई? तो जिन बच्चों का अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड एग्जाम में आप मिला लीजिए कि पिछले साल का परसेंटेज क्या था, अगर आप उसके ऊपर जा रहे हो, उसके ऊपर आपके मार्क्स हैं, जो भी बोर्ड में हैं आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए, अगर उसके ऊपर मार्क्स हैं आपके, ठीक है, इसमें सबसे शायद कठिन वाला उधर 2019 में ही जा रहा है, बाकी सब तो आसान दिख रहा है मेरे को, ठीक, अपना मैच कर लीजिएगा अपने बोर्ड के हिसाब से। तो अगर आप उसके ऊपर हैं, दो चार नंबर ज्यादा है आपका, तो आप बिल्कुल तैयारी करिए, ठीक है, उसमें बेधड़क तैयारी करिए, कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि लगातार मैं देख रहा था कि कमेंट्स आप लोग कर रहे थे, बहुत दुविधा में थे बच्चे करें कि ना करें, ठीक है। और हिंदी मीडियम में रिसोर्स कोई इतना अवेलेबल है भी नहीं, आप कोई वेबसाइट खोलोगे तो इंग्लिश में मिलेगा, और इतनी कठिन भाषा लिखी होती है कि मैं समझ सकता हूँ हिंदी मीडियम के बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। लगातार बच्चे कमेंट कर रहे थे ऐप पर, लगातार बच्चे, मैं क्लास ले रहा हूं तो कोई ना कोई उसमें यही कमेंट कर रहा है, सर मेरा इतना परसेंट है, मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, पढ़ूं कि ना पढ़ूं, तैयारी करूं कि ना तैयारी करूं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई दे, ठीक है। तो जो भी बच्चे जेई मेन के लिए, जो भी बच्चे जेई के लिए सीरियस हैं, वो अभी से तैयारी में जुट जाए, ठीक है, मन लगा करके तैयारी कर, ठीक है। और हमारा जो चैनल है दी ऑनलाइन कोचिंग जेई नीट, उस पर हम लोग रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे, उसमें वन शॉट में या एक दो बड़ी बड़ी क्लासेस में आपका एक हम कोशिश करेंगे पूरा पूरा चैप्टर कवर करने का, दो तीन क्लासेस में, दो तीन घंटे की, पांच घंटे की भी क्लासेस जितनी बड़ी होगी, ठीक है, वो मतलब जितना अपनी अपने को लगेगा, हम लोग बड़ी बड़ी क्लासेस पे अपलोड करेंगे जेई के लिए, ठीक है। वहां से आप अपना सिलेबस साथ में कवर कर सकते हैं, या आप चाहें तो हमारे ऐप पर भी शिखर जेई का बैच है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका फीस 3000 रुपीज है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, साथ में नोट्स, ठीक है, डीपीपी क्विज, आपके डाउट का सलूशन, इतनी सारी चीजें उसमें हम प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, ठीक है, जो कि सफिशियंट होता है कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से क्लासेस में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, और तैयारी करिए, किसी बात का कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज आपके पास बचा नहीं, ठीक है।